हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कुसुम शर्मा। दो कली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और क्यों ना हम अपने घर में ही सेवे पौधे तैयार करें, अपने फ्रेंड्स को दें या अपने घर में एक से दो चार पौधे और लगाएं। ये बोगनविलिया है। ये बोगनविलिया में किस तरह से हम एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, ये देखिए ये करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कैसे कटिंग में से भी लग जाते हैं, बट कटिंग से बड़ा मुश्किल रहता है कि भाई चले कि ना चले। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेड़ के ऊपर ही बूटी बांध देते हैं। तो देखिए हम इसमें हम इसके पेड़ के ऊपर हमको चार पौधे मिल जाएंगे। एक ये एक दो तीन और एक चार, चार मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है इसके लिए, देखिए सबसे पहले इसकी जरूरत होगी ये सूतली होती है, वायर से भी बांध देते हैं पर ये ज्यादा इजी रहता है। ये होगी सूतली। और एक ये पॉलिथीन होती है, पन्नियां मार्केट से मिलती हैं ऐसे वाली, इनको काट लेते हैं या घर में भी हो तो भी काम चल जाता है। मैंने तो घर से तैयार की है, मेरे पास बहुत सारी पॉलिथीन रखी हुई है, इसमें से इस टाइप के पीसेस काट लेते हैं ये वाले ऐसे वाले। तो हमें करना क्या है, और एक होती है इसके लिए जरूरत होती है इस मोस घास की, ये मोस घास होती है। अब हम इससे तैयार करेंगे पौधे, किस से करेंगे वो देखिएगा आप। अब देखिए जैसे हमारे पास ये वाला, ये वाली बड़ी ब्रांच है, इसे हमारा क्या होगा बड़ा पौधा तैयार होगा। तो ये तो हम सूखे सूखे यहां से निकाल देते हैं ये सब, देख लो ना फ्रेंड्स ये सब निकाल देंगे ये सूखे वाले। पहले इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर आए थे ना, वो सूख चुके हैं तो वो हमें निकालने नहीं थे। तो ये देखिए ये सब निकाल दिए हैं, तो इससे मैं एक पौधा तैयार करूंगी। इसमें क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर इसको सामने कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से तैयार करेंगे हम पौधा बनाना। तो क्या होता है जैसे ये है यहाँ पर, इसके ऊपर जहाँ एक हमारी पत्ती आई रहती है ना उसके ऊपर से लेंगे। एक मिनट दे जरा, इसको मैं परेशान कर रहा हूँ, इसको हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ। ये देखिए अभी एक सेकंड और लगेगा बस। मैं अकेले ही करती हूँ ना तो फिर किसी का सपोर्ट रहता है तो ज्यादा सही रहता है, पर कोई नहीं, मैं बड़ी हिम्मत रखती हूँ कि खुद ही चलो करती हूँ, जैसे भी होगा अच्छा बुरा है ना। तो देखिए ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर मेरी एक पत्ती, मैंने पत्ती हटा दी है वो, तो इस पत्ती ये पत्ती के बीच में इधर से और इसे कट मारेंगे हम, ये हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, चाकू से कटते हैं ये, पर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। ये हो गया है इससे, मेरे सेक्रेटरी बीच में यहाँ पर सेक्रेटरी से करूंगी। देखिए ये हो गया है और फिर मैं इधर से भी करती हूँ। ये देखिए इसको भी किया, इधर से भी किया, पीछे से भी करेंगे ये वाला भी। गोल गोल ऊपर ही ऊपर, सिर्फ ऊपर ऊपर यहां पर कट मार देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी कट मारेंगे ऊपर ऊपर। ऊपर की जो स्किन होती है ना बिल्कुल ये पतली सी, इसको हमें इसको निकालना होता है, सिर्फ ऊपर वाली को, नीचे से नहीं ऊपर से, सिर्फ ऊपर से। ये पूरा हम निकाल देंगे, ये देखिए पूरा निकालते हैं। और जब ये बिल्कुल स्किन इसकी छिल जाएगी, इसको एक्चुअली छिलना कहते हैं, इसके स्किन को छिल देना, तो ये जैसे छिल जाएगा ना ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ा थोड़ा करके ये स्किन, ये छिल छिल के इसकी स्किन निकल जाती है, पूरा स्किन निकल देंगे इतने पोर्शन से, लगभग मान लीजिए एक इंच। बीच में ये जो पत्ती वाला हिस्सा था वो रह जाएगा, आधा इधर से आधा इधर से, तो दोनों तरफ से ठीक है। आप चाहे तो ये जो कांटा भी आ जाता है बीच में
ये बुगनविलिया है, कांटा भी रहता है तो आप चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं इसके ऊपर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस स्किन छिल दीजिए आप पूरी चारों तरफ से, और ज्यादा कट मार देते हैं ना तो ये लकड़ी भी इसकी छिल जाती है, तो तब फिर पौधा तैयार नहीं होगा। सिर्फ ऊपर की स्किन निकाल दीजिए तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये लिया, हमने स्किन छिल चुके हैं, ये वाली स्किन पूरा छिल चुका है आप देख रहे हैं। अब मैंने लिया ये वाली पॉलिथीन पन्नी का टुकड़ा, अच्छा होना चाहिए, इसको मैंने रखा नीचे, इसके ऊपर रखी मैंने मूस घास। ये देखिए मूस घास को मैंने यहाँ पर रखा, दबाया इसके ऊपर चारों तरफ से इसको कस के, और पन्नी को इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया दबा के, ये कस के दबा के करना होगा हमें। ये देखिए ये दबा के हमने इसमें कर दिया, ये देखिए इस तरह से इसको बांध देंगे हम, इसके ऊपर लपेट देना है, देख रहे हैं ना, ये लपेट दिया। और ये जो रस्सी है हमारी, ये वाली, इस वाली रस्सी से पकड़ा हमने इसको और कस के बांध दिया, ये देखिए ये कस के इसको कसके बांध दिया, ये यहाँ पर फिर उसमें गांठ लगा दी, ये देखिए लग गया गांठ। मैं तो खुद ही से ही पौधे तैयार कर लेती हूँ, बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और फिर सारे काम अच्छे से होते चले जाएंगे, आप लोग भी सीख लेंगे और मेरे को जो खुशी मिली है वो भी मिल जाएगी। तो देखिए ये दोनों तरफ करते हैं इसको, इधर भी देखिए कस के फिर लगा दो, यहाँ पर ये हो चुके हैं देखिए। अब दूसरा दिखाती हूँ, इसी तरह से हम दूसरे में भी कट मार लेंगे फट से, ये निकाल देते हैं, निकल गई है। इसको यहाँ से कट करेंगे, ये पत्ती रहेगी बीच में ये वाली, तो आधा कट इधर मारेंगे, आधा कट इधर मारेंगे, इस तरह से छिल जाता है। एक बारीक चाकू से भी होता है, इसे बारीक चाकू से कर लेते हैं, पर मेरा तो सेक्रेटरी इतना अच्छा है ना, इसकी बहुत तेज है ये, तो इससे फटाफट हो जाता है, मुझे दिक्कत नहीं होती इससे। ये देखिए फिर से हमने ये कट मारा, कट ले लिया, ये एक पन्नी का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर मूस घास रखी इस तरह से, इस कट के ऊपर हमने इसको बांधा रखा, ठीक है, चारों तरफ लपेट दिया, और इसको हमने यहां से ये रैप कर दिया इस पन्नी को, और ये कस बिल्कुल दबा के कस के करना होता है, ये कर दिया कस के। ये क्या होता है, ये 100% इनके अंदर रूट आ जाएगी, और ये वाले जो पेड़ हैं, ये जो हम कटिंग करके लगाते हैं उसमें बहुत रिस्की मामला रहता है, आता है कभी कभी कटिंग हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, तो मुझे तो यही ज्यादा, और पौधा भी बड़ा होता है, कटिंग का तो हम 5 इंच लेंगे बस, उससे ज्यादा तो लेंगे नहीं, तो फिर अब ये पौधा बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये पौधे तैयार कर सकते हैं घर में खुद से, माली से भी करा सकते हैं, अगर खुद सीख लो तो फिर क्या दिक्कत है। मैंने तो अंदर रख लिया है ये अपना, ये पॉट अपना, और यहाँ बरांडे में रख के ये कर रही हूँ इसको आराम से, ना धूप लगने की टेंशन है और ना बारिश में भीगने की, आप अंदर बैठ कर आराम से करते रहिए, पौधे उठाते रहिए और करते जाइए। तो इस तरह से कस के लगाना होता है इसको,
बिल्कुल कस के बांधना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दो तैयार हो चुके हैं मेरे, और फालतू लगे आपको तो इसको कट कर दो। सॉरी, कैंची से करूंगी ये बस। अब मैं तीसरा पौधा तैयार करने जा रही हूँ। देखिए, तीसरा पौधा मैं यहाँ से करूंगी, नीचे से, यहाँ से, इस वाले से। यहाँ पर पत्ती थी वो तोड़ दी मैंने, नुकी नुकी गांठ बनी होती है। एक बार ही कट करना होता है बस। ये देखिए, इस तरह से इसको करना होता है। इसकी छील दी इसकी मैंने, देखिए। और आप भी बहुत आराम से बना सकते हैं, इससे पौधा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से मैंने क्या लिया, एक पन्ने का टुकड़ा लिया छोटा सा, जरा सा मोटा घास लिया और इसके ऊपर रखा ये इस तरह से, और यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया ये। और फिर हमने इसको इसको ऐसे दबा के, उसके दबा के बंद करा, पन्नी इसके ऊपर हमने रैप कर दी ये ऐसे करके। देखिए, तो इस वाले में भी ऐसे बांध देते हैं। इसको कस के बांधना होता है, बहुत ज्यादा कस के ना, ये इस तरह से। थोड़ी छोटी कट गई मेरी है, मैंने एक अल्पेट और दे दिया, लेकिन कसके बन चुकी है टाइट, अब मुझे कट करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। मैंने बोला था ना कि हम चार तैयार होंगे हमारी कट, ये बूटी चार में देंगी, 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, तो चार पेड़ तैयार होंगे हमारे। देखिए, ये निकल गए। देखिए, पास ले जाके दिखाती हूँ किस तरह से ये निकल जाता है इसका, दिखाई दे रहा है? ये इतना छिला है, ये बन जाएगा, दिख रहा है ना? तो इस तरह से हम इसके ऊपर भी हम इसे यही करेंगे कि एक ये वाला कपड़ा लेंगे, पन्नी का मुझ घास लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये देखिए, और ये जो हमारी पन्नी है इसको हम रैप कर देंगे इसके ऊपर। कस के करना होता है बस, कस के इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर एयर ना जाए ना, गर्मी होके इसमें फिर रूट से निकल के आएंगे, बरसात में पानी ऊपर से पड़ेगा, ये पूरा ऐसे रखते हैं। मैं तो बस घर में से ही ऐसे जुगाड़ कर लेती हूँ, और इस घर से तैयार कर लिया है।
और घास खरीदी ना मतलब बाहर से, बस ये देखिए इस तरह से कस के ये बांध दिया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे ये बताने का तरीका कैसा है, ठीक है या नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।